वालेकुम। और ये हमारे रैबिट, फुल मैंने इनको बोला छत पे छोड़ दिया और इसको आज मैं ऊपर ले आई हूँ पहले की तरह। और आज मैं तो लड़ाई, ये लोग आ गए हैं लेकिन लोगों को मैं घर पर खाना दे रही थी। चलो ये तो मैं समझी इसमें से एक उड़ गया है, चलो शुक्र दोनों है। हाँ तो अभी इन लोगों को नहीं खोलूंगी मैं, वरना ना फिर ये लोग दौड़ लगा देते हैं। अंडा देखने, अंडे वाली मुर्गी को देखते हैं जो बैठी हुई है। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं जितनी भी छत साफ कर लूँ साफ नहीं होगा। इतना तो परिंदे भी नहीं करते जितना ये देखते, चूहे ने आके ख़राब कर दिया पूरी। इधर ये मैंने अच्छा खासा साफ़ कर दिया था, एक ये गमला किया पूरी, इधर मिट्टी फैला दी, एक ये गमला किया, फिर मैंने उठा के इधर रखा। अब बाकी गमले भी ना गमले के ऊपर करके रख लेंगे ताकि चूहा ना आगे तबाही ना मचा, बहुत गंदगी मचाता है। ऐसा लगता है सारे कराची में ना चूहों की आबादी हो गई है, कुछ हो ना हो चूहे बहुत है कराची में। उसको वो वाला गमला भी चूहे ने कर दिया काम। अब मैं इसको बंद करूं फिर दूसरों को खोल के दाना दूं। जाओ अंदर जाओ, ये अपना आराम से अंदर चली जाएगी। चलो मैं ना इसको ना पानी देती हूँ ज़रा, अभी ये पानी पिए या इससे पहले खुद ही अंदर चली जाएगी। ये खुद आ रही है, अब इधर उधर दाना देखेगी पहले है। बाहर तो मैंने इसको खिला दिया लेकिन फिर भी ये देखेगी, अभी बाहर भी तो पानी है। चलो वो बैठ रही है, अब मैं ना इसको ना इससे ढक दूँगी। इन लोगों ने बहुत गंदगी कर दी है, सफाई करने के बाद भी सांस नहीं ली जाती है, बैठी हुई है। अब मैं ना इसको ढक देती हूँ ऐसे। ये लोग अपना नहाने में मसरूफ, मैं इनको खोलूँ। देखो आज दिया अंडा नहीं, आज नहीं दिया मेरे ख्याल से, ये दिया नहीं आज नहीं है। चलो ये लोग खुल गए, अब मैं वाला दरवाजा, चलो वो मुर्गी तो अंदर आराम से बैठ गई है। वो दूसरी वाली कहाँ हो रही, मुझे तो लगता है तीसरी आलमी जंग इन्हीं लोगों से रहेगी, जैसे ही निकालो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब बस वाइट वाले मुर्गे से लड़ने ना चला जाइए, बाकी सबको इधर मारेगा ये, और फिर उधर चला जाएगा। कुछ भी नहीं है खाने को अभी, मैं दूँ ये देखते हैं इनको खाने देता है या नहीं। इन लोगों की भी अलग ही जंग है, समझ नहीं आता इसमें से। ये पता है ये वाला मुर्गा लग रहा मुझे, और वो लोग अपनी चल रही उधर पार्टी की गई थी। लूसन दे दो, कोई भी हरी चीज़ दे दो, ऐसे ये लोग टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या इन लोग को बिरयानी मिल गई हो। ये इधर मारम कुटिंग चल रही है इधर सबकी, और ये अपना अलग थलग घूमेंगी। फंस गई
चलो ना तुम उन लोगों के पास, एक तो इतनी ढीली सी हैं ये, ज़रा सा कुछ करो धक्का लगाओ गिर जाती हैं ये। मैं सोच रही इधर ना थोड़ी सी मिट्टी जमा कर लूँ ताकि मुर्गियाँ ना नहा सकें, प्लास्टिक नीचे बिछा के मिट्टी, फिर कोई मसला भी नहीं होगा, आराम से ये लोग अपना नहा भी लेंगी और फिर मिट्टी भी पकड़ लेंगी। देखूंगी नीचे जाके शॉपर है कोई, फिर करूँगी ये, और चारों तरफ से ना ईंटों से वो करके घेर के आराम से कर लूँगी ये। ओ सुस्त, चले जाओ उन लोगों के पास, तुम्हारे सर पे भी बाल नहीं है, उनके सर पे भी बाल नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं, जाओ जाओ अपने बरादरी वालों के पास, चलो अंदर चला जाएगा लेकिन उनके पास नहीं जाएगा ये। इसकी पता नहीं क्यों शुरू से जब से आया ना ये पता नहीं क्यों डरता है इन लोगों सबसे। ये लोग सही हैं माशाल्लाह से, और छोटे डरपोक रिश्तेदार, चल गंजे रिश्तेदार के पास जाओ अपने, ली जाएगा ये, जाओ उधर, हाँ उधर जाओ, जल्दी जाओ जल्दी, हट्टू मियाँ चले जाओ। है इसको पता नहीं क्या हो गया, गंजी काली वाली को बाली झड़ रहे हैं, किसके और एक इसके, वो ब्राउन वाली तो सही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।